हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक लगता है, तो ये टॉपिक मैं आज आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर आप एंड तक देखेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे आप सभी लोग, होपिंग यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 आई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से लिखना है जैसे हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो अभी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो हम लोग अज्यूम करते वो एक्स प्लस आई वाई है, इसे हम लोग ने लेट ले लिया। अब कभी भी स्क्वायर रूट निकालते तो हमें दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और यहां पर स्क्वायर लेंगे तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया, वो क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर पे आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन, और वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई माइनस वाई का स्क्वायर। रियल वाले पार्ट एक साथ ले लो, जितने भी रियल वाले टर्म्स हैं, ये हमें क्या मिल गया, वन प्लस फोर रूट थ्री आई, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेट कर देंगे। तो देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल को रियल के साथ इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक्स वाई इज इक्वल टू फोर रूट थ्री, ठीक है। अभी टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो हमें इधर पे एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई, टू रूट थ्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, अभी मैं इक्वल टू के साथ एक तो एक्स रखूंगा एक तो वाई रखूंगा, तो मैं यहां पर वाई को इक्वल टू की ये साइड ले लेता हूं, एक्स को नीचे ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री बाय एक्स। इसको पकड़ लो, अभी तो कोई इक्वेशन अपन दे देते हैं वन टू और इसको थ्री ले लिया। इस इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर टू में, पुटिंग थ्री इन टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है, टू रूट थ्री बाय एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वन, ठीक है। अभी टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, रूट थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री, तो फोर थ्री का क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपली ट्वेल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर से होल को पूरे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या देगा, एक्स टू फोर ट्वेल्व और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आइटम को वहां पर ले लो इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दोगे तो ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन पावर क्या है, फोर। तो हम लोग यहां पर सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर एम पुट करते हैं तो ये एक्स टू फोर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जगह एम माइनस ट्वेल्व, यहां पर पुटिंग या फिर लेट भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बराबर। पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम पुट किया, सिंपल। अभी यहां पर देखो तो हमारा क्वाड्रेटिक जैसा हो गया। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, दो रूट्स फाइंड कर लेते हैं यहां पे। तो ट्वेल्व को अगर हम लोग देखेंगे, इधर क्या है, माइनस 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 प्लस, और हमें माइनस करके क्या लाना है, वन, और मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व। तो ऐसा एक नंबर देखो, फोर थ्री से ट्वेल्व, फोर को अगर हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व होता है, और माइनस फोर प्लस थ्री क्या होता है, माइनस वन। तो हमें यही वाला वैल्यू मिल रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे पुट करके दिखाता हूँ, इसको मैं माइनस फोर एम प्लस रूट प्लस थ्री एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, माइनस फोर एम प्लस थ्री एम सेम वैल्यू करना, मतलब हमारा जो हम लोग ने पुट किया वो वैल्यू एकदम करेक्ट है। अभी एम यहां से कॉमन निकालेंगे, तो एम माइनस फोर प्लस यहां पर क्या कॉमन आएगा, थ्री एम माइनस फोर, तो हमें क्या मिल गया, एम प्लस थ्री और m माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हमें m प्लस थ्री इक्वल टू जीरो मिला और m माइनस फोर इक्वल टू जीरो मिला, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस थ्री, m इक्वल टू फोर। m का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, देखो यहां पे हमने पुट किया तो m के लिए एक्स स्क्वायर लिखते माइनस थ्री, यहां पे m के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर,
स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस थ्री, यहाँ पर सीमित दे दें प्लस माइनस टू, फोर का स्क्वायर रूट टू। अभी ध्यान दो, हमारा जो ये है ना एक्स और वाई हमेशा बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, भले ही आई वाई हमारा ये पूरा टफ इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब वो नॉट रियल, पूरा क्वेश्चन ही नॉट रियल है, लेकिन हमारे जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है हमेशा क्या होती है, वो रियल नंबर में ही रहती है। इसको देखेंगे तो ये वापस में कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, देयरफॉर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, वाई, तो सिंपल वाई में पुट करो ये वैल्यू को, पुटिंग एक्स इधर भी लिख सकते हो आप, पुटिंग एक्स इन थर्ड, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू टू रूट थ्री प्लस माइनस टू। अब जब प्लस माइनस टू पुट करेंगे तो टू टू कैंसिल, यहां पे क्या जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमें यहां पर एक्स की वैल्यू जो क्या मिली है प्लस माइनस टू, y की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। सिंपली हम लोग इस पर पुट करेंगे, पुटिंग इन इन वन, वन प्लस फोर रूट थ्री, यहां पर i लिखना भूल गया, i इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अभी देखो प्लस माइनस हम लोग सिंपली कॉमन निकला है, तो x के जो भी मतलब जो भी वैल्यू x की वैल्यू क्या है टू है, और बीच में क्या है प्लस i, और y की वैल्यू क्या है रूट थ्री, सिंपल था। तो आपको ये प्रोसीजर ध्यान में रखना है, ये प्रोसीजर से आपको कैसे भी क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करने लगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नए वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।